दोस्तों साथियों, आप देख सकते हो हमारे पास जो स्टूडेंट आया है, इनके पिताजी भी आया है। अब हमारे पास कैसे आना हुआ, कैसे पता किया है आपने एकेडमी बोल के नॉर्थ ईस्ट में? सर, हम तो नहीं जानते पहले, फिर मेरा दोस्त ने बोला ऐसे सर बड़ा। नहीं देखो, इंडिया में तो काफी सारे एकेडमी है, तो आपने पैरा कमांडो फिटनेस एकेडमी को चूज क्यों किया? सर वो अच्छी लगी। तो साथियों, दूर दूर से हमारे पास एकेडमी में आ रहे क्योंकि विश्वास करके आ रहे, क्योंकि मैं खुद एक रियल फौजी हूँ और भारतीय सेना में 17 साल सर्विस करके मैंने एकेडमी ओपन किया। मेरे से जितना हो सके अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग देने के लिए कोशिश करूँगा और आने वाला समय में हमारी जो नॉर्थ ईस्ट को सबसे आगे लेके जाने के लिए कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा हमारी जितनी गाँव है, हमारे स्टेट में जितनी गाँव, हर गाँव गाँव का अगर एक एक लड़का फौज में रास्ता दिखाऊंगा जाने के लिए, इनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए कोशिश करूंगा हमेशा। और मेरा एक ही सपना है हमारी जो नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाना। तो साथियों, अभी हमारे पास एडमिशन के लिए आ गया, फॉर्म भी भर चुके हैं। अब इनका हाइट वेट वगैरह, चेस्ट वगैरह मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद इनको लेकर जाऊंगा हॉस्टल में। और हमारी वीडियो देखा होगा आपने यूट्यूब में, कैसा ठीक है। अभी आप लोगों का एग्जाम कब है? एडमिट कार्ड आ गया होगा? कब है एग्जाम? 20 को एग्जाम। अच्छी तरह से एग्जाम देना, नोट्स मिल जाएगा, अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। सुबह शाम यहाँ पर कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास जब पढ़ाई होता है दबा के पढ़ाई होता है, फिजिकल होता है दबा के, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है इंडियन आर्मी में अभी पहले होता है एग्जाम, ठीक है। पहले था फिजिकल, अभी चेंजेस हो गए। तो अभी इधर आइए, पहले मैं आपका हाइट मेजरमेंट कर लेता हूँ। देखते हैं, चलो हाइट में चलिए। तो साथ ही एक चीज कहना चाहूंगा, जो नॉर्थ ईस्ट में जो इंडियन आर्मी में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इंडियन आर्मी के जो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हाइट मेजरमेंट मांगा गया 160 सेंटीमीटर, तभी अब एलिजिबल है। सबसे कम है, इससे कम होगा तो नहीं होगा। तो साथियों, और जो टेक्निकल के लिए तैयारी कर रहे हैं 157 सेंटीमीटर, तो हाइट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 99% बच्चों को पता नहीं होता, ठीक है। अब वेट मापते, चलो सामने 52.7 अभी चेस्ट मेजरमेंट से खुलिए। तो साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चेस्ट 77 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर खुला के 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये भारतीय सेना का जो मेजरमेंट ही है। तो हमारे पास लगभग एडमिशन हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं इनकी। अभी यहाँ से हम हॉस्टल में लेके जाऊंगा। और एक चीज़ कहना, जो काफ़ी सारे बच्चे का मन में सवाल था, सर फीस क्या है? तो साथियों, हमारे पास जो फीस है 6,000 एक ही बार जमा करनी है, वो लाइफ टाइम के लिए, जब तक बच्चा सिलेक्शन नहीं होता, ओनली फॉर 6,000 रुपये जमा करना ट्रेनिंग फीस। और रहने खाने का जो हमारे पास 4,000 रुपये, हमारे पास जो रहने खाने का जो बंदोबस्त रखा गया है, मात्र 4,000 रुपये पर मंथ, जिसके अंदर रहना खाना और रूम मिल जाएगा। तो साथियों, ये अभी यहाँ पर वीडियो को समाप्त करता हूँ और आगे हॉस्टल में लेके जाऊँगा। और इनके पिताजी भी आए, एक बार पिताजी को सामने लेकर आइए। पिताजी को मिला, आपका बेटा यहाँ पर आया है, आपको मन सही है? खुशी मन से देखेगा आपको बेटे को, और यहाँ पर आया फौजी बन के जाएगा, ये गारंटी है। और दावा करते हैं हमारे पैरा कमांडो फिटनेस एकेडमी, क्योंकि पुराना हमारे रिजल्ट देखो, हम यहाँ पर नया नया एकेडमी ओपन किया, लगभग 4 से 5 महीना हुआ, लेकिन रिजल्ट आप देख सकते हो, 10 से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन दिया इंडियन आर्मी में। और आपका बेटा यहाँ पर आया ज़रूर, लेकिन फौजी बन के जाएगा, ये गारंटी देता हूँ मैं। थैंक यू सर। थोड़ा सा क्या है, दिक्कत है इनके हमारे नॉर्थ ईस्ट में, तो मैं कोशिश करूंगा हर गांव का बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए,
और आने वाला समय में हर बच्चे को मैं कोशिश करूंगा अच्छा मोटिवेशन देके भारतीय सेना में ज्वाइन करके अपना लाइफ को आगे बढ़ाए, बस अच्छा काम करे, बस अच्छे से अच्छा काम करने के लिए कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा फौज में ज्वाइन करे। एक फौज का जो एक संस्था है सबसे बढ़िया संस्था बोलता हूँ, डिसिप्लिन हो चाहे रिस्पेक्ट हो हर जगह मिलते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साथियों अपना ध्यान जरूर रखिएगा, जो भी अकेडमी में ज्वाइन करना चाहते हैं दिए नंबर पर कॉल करें और तुरंत ज्वाइन करें क्योंकि समय बहुत कम है। थैंक यू, जय हिंद।